जैसा कि हम देख सकते हैं कि मेरे एरिया में लगातार ओवरकास्ट कंडीशन बनी हुई है और बारिश हो रही है। इस स्थिति में मुझे अपने ग्राफ्टिंग किए हुए टमाटर, बैंगन और मिर्च के पौधों के लिए अलग से कोई हीलिंग चैम्बर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं गूगल में कि अभी यहाँ का जो करंट टेम्परेचर है वह 24 डिग्री सेल्सियस है और जो ह्यूमिडिटी है 99% है, जो कि ग्राफ्टिंग के लिए, वेजिटेबल ग्राफ्टिंग के लिए फेवरेबल है। यहाँ पर सामने टमाटर के कुछ ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे हैं। ग्राफ्टिंग के बाद आज इसका चौथा दिन है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया है अभी की जो कंडीशन है फेवरेबल है ग्राफ्टिंग के लिए, तो मुझे किसी भी तरह से हीलिंग चैम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसी तरह से बाहर पड़े हुए हैं। हालांकि जब पत्तियां अगर कुमलाएँ, ओवरकास्ट कंडीशन ना रहे या बारिश ना हो और गर्मी पड़े, मतलब धूप पड़े और पत्तियां कुमलाएँ, तब इन्हें वापस से हीलिंग चैम्बर में रखना पड़ता है। अब मैंने दो विधि से ग्राफ्टिंग किया था। यहाँ ये जो 12 पौधे हैं इनमें वी शेप विधि से ग्राफ्टिंग किया था, और ये वाला जो 45 डिग्री का कोण होता है उस एंगल से काट के ग्राफ्टिंग किया था। अब देख सकते हैं यहाँ वाला जो क्लिप है ये रिमूव हो चुका है इस तरह से, और मैंने तीसरे दिन ही कल ही इन क्लिप्स को रिमूव कर दिया था। कारण ये था कि जो यहाँ क्लिप फंसा हुआ था जहाँ पर रूट स्टॉक और साइन जुड़ा हुआ था, वहाँ पर ज़्यादा यहाँ पे पानी बन रहा था, क्योंकि जो मॉइस्चर ये साइन और ये रूट स्टॉक से निकल रहा था वहाँ पे कैप्चर हो रहा था, तो यहाँ पर ज़्यादा पानी जो है इकट्ठा हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे गलन आ जाता, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। लेकिन सेम डे पे ये भी ग्राफ्टिंग हुआ था तिरछे कट के साथ, यहाँ अभी भी क्लिप लगा हुआ है। उसका कारण ये है, हालांकि यहाँ पर भी पानी दिख रहा हुआ यहाँ क्लिप के अंदर, तो जो साइन है इसके गलने का संभावना ज़्यादा है, लेकिन इसको मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि अगर इसको निकाल दूँ, क्योंकि तिरछा जुड़ा हुआ है तो ये क्या है अलग हो जाता है। अगर ना जुड़ा हो तब, जुड़ गया हो तब अलग नहीं होता। जैसे कि इसी को देखें, ये वाला, इसमें जो रूट स्टॉक और साइन है इसका सी ट्यूब का जो कनेक्शन है इस्टेब्लिश हो चुका है, इस वजह से ये जुड़ गया है, और इसमें भी जुड़ गया होगा बाकी में, लेकिन एक संभावना है कि अभी भी ना जुड़ा हो, इसलिए मैंने इसे निकाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वी शेप में ग्राफ्टिंग है तो दोनों तरफ से पकड़ के रखता है, तो ये स्थिर हो गया वहाँ पर, और सीव ट्यूब का कनेक्शन भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है। और क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस और जो ह्यूमिडिटी है 90%+, तो उससे क्या हो रहा है, टमाटर में कैलस फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है और अच्छे तरीके से होता है। और क्योंकि ये जो रूट स्टॉक और साइन है इनका एज मिनिमम है 45 डेज, इस वजह से जो हीलिंग की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है। तो हम जितने कम एज में अपने पौधों को जोड़ते हैं हीलिंग उतना ही जल्दी होता है। और ये जो मिनिमम डायमीटर है यहाँ पर, ये रूट स्टॉक और साइन का 1.5 mm है, और ये जो ग्राफ्टिंग ट्यूब है सिलिकॉन वाला ये भी 1.5 mm है। तो इस तरह से जब क्लाउडी कंडीशन होता है और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, तो टमाटर की ग्राफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और छोटे एज में जोड़ने से जो कैलस फॉर्मेशन होता है और हीलिंग की प्रक्रिया होती है वो बहुत जल्दी होती है। क्योंकि हम देख ही सकते हैं कि मैंने 3 ही दिन में क्लिप जो है रिमूव कर दिया था, और इसमें कैलस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ्टिंग है वो कई बार वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, और वो सब नहीं रहे तो हमें अलग से एक माइक्रो इन्वायरमेंट
बनाना पड़ता है उसे ही हम हीलिंग चैम्बर कहते हैं, जहाँ की टेम्परेचर टमाटर के लिए 24 डिग्री सेल्सियस और नमी जो है 80% से ऊपर हमेशा होना चाहिए। और आज पांचवें दिन में जैसा कि हम देख सकते हैं ये तिरछे कट वाली विधि से जो ग्राफ्टिंग किया गया था उनमें भी सारे क्लिप को मैंने रिमूव कर दिया है और सभी में जो रूट स्टॉक और साइन है ये अच्छे तरीके से जुड़ गए हैं, कैलस भी बन ही गया है। अब दूसरे स्टेप में इन पौधों का हार्ड होना, मतलब जहाँ पे रूट स्टॉक और साइन जुड़ा हुआ है वहाँ जो कैलस बना है उसका हार्ड होना ज़रूरी है ताकि वहाँ से मॉइस्चर ना निकले और अपना पौधा जो है मुरझाए ना, और फिर पूरी तरह से पौधा इतना मजबूत हो जाए कि फील्ड में इसे लगाने के बाद भी कोई समस्या ना आए। इस तरह से ये हीलिंग का प्रोसेस इसमें पूरा हो चुका है, अब हार्डनिंग होना है। हालांकि इसमें अभी भी टेम्परेचर कम ही चाहिए और ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, लेकिन लाइट हमेशा अभी के टाइम में इसे ज़्यादा चाहिए ताकि ये जो कैलस है और जो पूरा पौधा है अच्छी तरीके से हार्ड हो जाए। अब ये इस तरह से खुले आसमान के नीचे रहेंगे। हालांकि आज के दिन भी इस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन है पर बारिश नहीं हो रही और जो ह्यूमिडिटी है 90% से ऊपर है और टेम्परेचर 24 है, तो आज ये दिन भर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे इस तरह से रहेगा क्योंकि रोशनी यहाँ पर अच्छा है। तो ये हार्डनिंग होने का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से अच्छे तरीके से होगा।